तो कैसे हो आप सब। आज की वीडियो होंडा की अपकमिंग ऑल न्यू यूनिकॉर्न 160 न्यू मॉडल के लॉन्च अपडेट्स के बारे में। होंडा ने यूनिकॉर्न 160 को 2004 में लॉन्च किया था, लेकिन इसमें कोई भी अपडेट नहीं किया गया, जिसके कारण यूनिकॉर्न की सेल भी काफ़ी कम हो चुकी है। लेकिन अभी भी यूनिकॉर्न इंडिया का सबसे अफोर्डेबल 160 सीसी बाइक है। अब जल्द होंडा यूनिकॉर्न 160 के एग्जिस्टिंग मॉडल को ट्रांसफॉर्म करने वाला है कम्प्लीटली न्यू लुक में। लुक वाइज एंड फीचर में अब ये बाइक काफ़ी आउटडेटेड लगता है। एंड अब जल्द होंडा एग्जिस्टिंग यूनिकॉर्न के मॉडल को डिसकॉन्टिन्यू करके ऑल न्यू यूनिकॉर्न 160 वर्जन 2.0 न्यू मॉडल को लॉन्च करेगा। सो अगर आप भी कोई नई 160 सीसी बाइक बाय करने का प्लान कर रहे हो तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। न्यू 2023 होंडा यूनिकॉर्न 160 का ओवरऑल डिज़ाइन कैसा होगा, फीचर इस बाइक में आपको क्या कुछ मिलेंगे एंड इस बाइक का लॉन्च कब तक होगा, लेटेस्ट अपकमिंग बाइक की अपडेट के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो होंडा यूनिकॉर्न 160 की कंप्लीट लुक को चेंज करने वाला है, जिसके साथ ये बाइक कम्पीट करेगा अपाचे 160 एंड पल्सर N160 से। तो बात करते हैं 2023 यूनिकॉर्न 160 न्यू मॉडल में आपको क्या कुछ नए चेंजेस मिलेंगे। फ्रंट हेडलाइट का डिज़ाइन टोटली न्यू होगा, न्यू LED सेटअप के साथ न्यू यूनिकॉर्न की लुक स्पोर्टी होगी। सीटिंग इस बाइक में आपको काफ़ी कंफर्टेबल मिलेगी एंड इस बाइक में आपको रीडिज़ाइन ग्रैब रेल भी मिल जाएगा। फ्यूल टैंक भी रीडिज़ाइन होगा एंड इस बाइक में आपको न्यू साइड एक्सटेंशंस मिल जाएंगी, जो कि इस बाइक को माचो लुक देंगी देखने में। मीटर क्लस्टर अपडेटेड होगा एंड इस बाइक में आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिलेगा। अपकमिंग हीरो अपाचे एंड पल्सर 160 सीसी सेगमेंट में अपसाइड डाउन फोर्क सस्पेंशन न्यू मॉडल में इंट्रोड्यूस करेगा। सो होंडा भी यूनिकॉर्न 160 में USD फ्रंट फोर्क सस्पेंशन को इंट्रोड्यूस कर सकता है। रेयर सस्पेंशन मिलेगा मोनोशॉक। फ्रंट एंड रियर में डिस्क ब्रेक होगी। टायर साइज और भी ज़्यादा ब्रॉड होगा। ओवरऑल न्यू लुक यूनिकॉर्न 160 वर्जन 2.0 की परफेक्ट होगी। न्यू होंडा यूनिकॉर्न 160 की अगर हम फीचर्स की बात करेंगे तो इस बाइक में आपको ऑल न्यू LED हेडलाइट सेटअप के साथ LED DRLs भी मिलेंगे। सिंगल चैनल ABS के साथ इस बाइक में आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स भी मिलेंगे एंड इस बाइक में आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल भी मिल जाएगा, जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी ऑफर करी जाएगी। कॉम्पैक्ट स्मॉल वाइजर भी इस बाइक में आपको मिलेगा। फीचर वाइज एंड ओवरऑल लुक में ये बाइक आउटस्टैंडिंग होगा फुली एडवांसमेंट के साथ। ओवरऑल वेट काफ़ी ज़्यादा लाइट होगा एंड इस बाइक में आपको ज़बरदस्त परफॉर्मेंस मिल जाएगी। इंजन इसमें सेम मिलेगा 162.7 cc इंजन। पावर आउटपुट में इंप्रूवमेंट होगी एंड एक्सपेक्टेड है इसकी पावर रेशियो मिलेगी 14 HP तक। नंबर ऑफ गियर्स इसमें आपको 5-speed गियरबॉक्स मिलेगा। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी होगी 12 लीटर तक एंड इस बाइक की सीट हाइट आपको मॉडरेट मिलेगी। लेटेस्ट कलर ऑप्शन के साथ इसमें आपको स्पोर्टी ग्राफिक्स भी मिलेंगे। होंडा यूनिकॉर्न 160 न्यू मॉडल का लॉन्च होगा जुलाई मिड तक एंड न्यू यूनिकॉर्न 160 का प्राइस होगा 1,15,000 तक। प्राइस डिफरेंस होगा 8,000 रुपीज़ से लेकर 10,000 रुपीज़ तक। बट इस बाइक में आपको न्यू लुक के साथ काफ़ी सारे न्यू फीचर्स भी मिलेंगे। न्यू होंडा यूनिकॉर्न 160 न्यू मॉडल कम्पीट करेगा बजाज पल्सर N160, TVS अपाचे 160 एंड न्यू हीरो एक्सट्रीम 160R के साथ। सो आप इन चारों में से कौन से बाइक को प्रेफर करोगे बाय करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वैसे काफ़ी और न्यू बाइक्स आने वाले टाइम में लॉन्च होने वाली हैं। होप करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसी अपकमिंग बाइक्स की अपडेट के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है किसी भी बाइक के रिलेटेड, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा। सो मिलते हैं अगले रिव्यू में। टिल देन टेक केयर ऑफ यू एंड राइड सेफ।